ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स दैट मीन्स डीएनए के फीचर्स को देखा था। डीएनए शुड बी एबल टू फॉर्म रेप्लिकेट, एक से दो होगा, है ना। ये पेरेंटल डीएनए है, डाउटर डीएनए दो बनेंगे। शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा। शुड शो स्लो चेंजेस, है ना, इवोल्यूशन भी होगा तो बहुत कम होंगे। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कराना, ये सारी कैरेक्टर्स होंगे, है ना, जेनेटिक मटेरियल्स के। आज हम लोग देखेंगे आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। एक्चुअली फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो कौन है, आरएनए है। आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। देखते हैं किस तरह से। आरएनए एक्चुअली क्या होता है, अनस्टेबल ज़्यादा होता है, रिएक्टिव होता है ना। डीएनए स्टेबल होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। तो हम लोग आज के हेडिंग में देखेंगे आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे। ये जो आरएनए है, ये आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स, है ना। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स। सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल्स था कौन था, आरएनए था। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करता है ना। आरएनए अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करता है ना, फॉर्मेशन होता है। आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करता है, क्यों करता है, क्योंकि आरएनए क्या होती है, अनस्टेबल होता है। और जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्टेबल फॉर्म्स हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए के रिगार्ड अगर बात करें, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए आरएनए को हम लोग देखते हैं, डीएनए इज स्टेबल, आरएनए इज अनस्टेबल, वाई। तो डीएनए आरएनए दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग देखते हैं किस तरह से, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, नो रिएक्शन, है ना, मोर रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जिस बेसिस पे डीएनए लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव होता है और आरएनए मोर रिएक्टिव होता है। क्या क्या बातें हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होती है, डबल स्ट्रैंडेड होती है, डीएस डबल स्टैंडर्ड। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होती है, किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस का हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, नाइट्रोजनस बेस के बीच में दो स्ट्रेन है इस तरह से, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, है ना, प्यूरीन पायरिमिडीन का कनेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अंदर है इस तरह से, जी सी अंदर में है। यही आरएनए क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है तो इस तरह से, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, ए टी, टी तो नहीं होगा, टी की जगह यू होगा, आरएनए है ना, ए टी जी सी, इस तरह से ये बाहर है। बाहर रहेगा तो रिएक्शन ज़्यादा होंगे, अंदर रहेंगे तो रिएक्शन कम होगा। तो इसका जो है नाइट्रोजनस बेस, ये प्रोजेक्ट इनसाइड होता है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, है ना, एनवायरनमेंट तो नहीं कहेंगे, बाहर होती है तो रिएक्शन ज़्यादा होता है ना, रिएक्टिविटी इस वजह से, रिएक्टिविटी यहाँ पे लेस होती है। यहीं पे रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे आरएनए में, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी
मोर, इस तरह से दिखाएंगे। पहला, रिएक्टिविटी का मेन वजह क्या है? ये जो नाइट्रोजनस बेस है, दो स्ट्रैंड को, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, और ये जो स्ट्रैंड होता है फॉस्फोरस और पेंटोज शुगर होती है इसमें बैकबोन, और ये प्रोजेक्ट इनसाइड होती है। यहाँ पे बैकबोन तो फॉस्फेट और शुगर है ही, लेकिन नाइट्रोजनस बेस बाहर है, जिस वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पे किस तरह का शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, और यहाँ पे ओनली राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है। डायग्राम देखेंगे राइबोज शुगर का, तो इस तरह से राइबोज शुगर का डायग्राम होता है। यहाँ पे कार्बन को देखेंगे इसमें राइबोज शुगर में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर इस तरह से देखें तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 नंबर कार्बन होती है। एक नंबर कार्बन पे इस तरह से OH ग्रुप, H OH, और यहाँ पे CH2 और OH, इस तरह से होती है। तो देखेंगे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिएक्टिव होता है, ये दूसरे न्यूली फॉर्म न्यूली न्यूक्लियोटाइड के साथ इसका अटैचमेंट होता है, तो ये भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ये जो फिफ्थ नंबर पे OH ग्रुप है, ये भी फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। ये जो OH ग्रुप है एक नंबर कार्बन पे, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा, तो रिएक्शन ये फ्री रहेंगे, दैट मीन्स ये रिएक्टिव होंगे। इसके वजह से राइबोज शुगर है ना, आरएनए में जो राइबोज शुगर है दो नंबर कार्बन पे, जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वेरी रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? वेरी रिएक्टिव, जिस वजह से ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये जो दो नंबर कार्बन है OH के जगह H होता है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर में दो नंबर कार्बन में OH के जगह कौन सा ग्रुप होता है? H ग्रुप होता है, OH नहीं होता है ना। OH के जगह क्या होता है? H होता है, दैट मीन्स यहाँ H होता है, रिएक्टिव रिएक्शन नहीं होती है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पे जो टू नंबर कार्बन है OH, इसके जगह पे H होता है, तो रिएक्शन नहीं होती है। ये दूसरा वजह है, RNA ज़्यादा रिएक्टिव, DNA नो रिएक्टिव है ना, नॉट रिएक्टिव। DNA क्या? नॉट रिएक्टिव। और ये वेरी रिएक्टिव इस ग्रुप की वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह से दो पॉइंट हम लोग देखे। तीसरा हम लोग देखते हैं DNA जो होता है थाइमीन, DNA में थाइमीन होता है। इधर DNA कर लेता हूँ और इधर RNA कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे DNA और RNA यहाँ पे बना होता है यूरेसिल का, है ना। यूरेसिल क्या होती है? यूरेसिल रिएक्टिव नाइट्रोजनस बेस है, ये यूरेसिल है, रिएक्टिव नाइट्रोजिनस बेस, NB मैंने कर दिया। और यूरेसिल से ही डेराइव होता है थाइमीन, 5-methyl uracil थाइमीन। ये थाइमीन एक्चुअली यूरेसिल ही होता है, कन्वर्जन रूम होता है 5-methyl uracil, 5-methyl uracil ये होती है ना। तो रिएक्टिव नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल है, थाइमीन क्या है? नॉट रिएक्टिव। इसके साथ साथ फोर्थ डिफरेंस जो हम लोग देखेंगे रिएक्शन बेसिस पे, तो यहाँ पे फोर्थ में आरएनए में एक कैटालिटिक ग्रुप होता है, कैटालिटिक एंजाइम्स होता है, कैटालिस्ट होता है राइबोसाइम, कैटालिस्ट कौन होता है? राइबोसाइम। और ये कैटालिस्ट यहाँ पे नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नहीं होती है। इस वजह से भी क्या होती है? आरएनए बेस्ड एंजाइम्स है राइबोसाइम, क्या है? आरएनए बेस्ड एंजाइम्स है, आरएनए
बेस्ड, इस तरह से आरएनए बेस्ड एंजाइम्स है, राइबोजाइम जिसको बोलते हैं, वो डीएनए में एब्सेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, जिस वजह से कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्टिव होता है। फिफ्थ, इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे कह सकते हैं म्यूटेशन के चांसेस, म्यूटेशन है ना, होने के चांसेस बहुत कम होती है, लेस होती है, और आरएनए में इस तरह से म्यूटेशन के चांसेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिव होने के वजह से यहाँ पे म्यूटेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे म्यूटेशन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये सारी वजह है जिस वजह से डीएनए स्टेबल, आरएनए अनस्टेबल होता है। ओके, अब डीएनए और आरएनए के रिगार्ड अगर हम लोग बात करें तो डीएनए स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होता है, आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। कैसे देखते हैं, डीएनए जब प्रोटीन बनाता है तो अपना इन्फॉर्मेशन आरएनए के थ्रू पास करता है, डीएनए आरएनए एंड देन प्रोटीन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए फिर बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है। तो ये जो स्टोरेज फॉर्म्स होता है, जेनेटिक मटेरियल्स स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे स्टोरेज होती है डीएनए फॉर्म में, ट्रांसमिशन होती है आरएनए फॉर्म में, है ना। तो एक बात हम लोग देखते हैं, डीएनए, ये जो डीएनए है ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का डीएनए में, डीएनए फॉर्म्स में। और यहीं पे आरएनए देखेंगे तो आरएनए ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये इस तरह से होती है। ओके, अब ये जो ट्रांसमिशन और स्टोरेज की बात करते हैं, ये डीएनए न्यूक्लियस में है ना, ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इस तरह से। तो डीएनए आरएनए के थ्रू अपना इन्फॉर्मेशन को आगे पुश करता है, ट्रांसमिशन आरएनए के थ्रू, स्टोरेज फॉर्म डीएनए, है ना, ये रिफर्ड एज, रिफर्ड एज डीएनए जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज फॉर्म, रिफर्ड एज डीएनए स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल्स, है ना। डीएनए प्रोसेस क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और डीएनए डीएनए को भी बनाता है जिसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। और ये जो दिया क्रिक ने दिया, क्रिक साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस दिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए थ्रू प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए प्रोसेस ट्रांसलेशन, या फिर सिंपली कह सकते हैं डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, और डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। ये सारे प्रोसेस को एक साथ क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए टू डीएनए, डीएनए रिप्लिकेशन और सेंट्रल डोगमा। किसके थ्रू दिया गया ये कंसेप्ट, क्रिक के थ्रू, है ना। आगे हम लोग देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन जो होती है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन होती है, सेमी कंजर्वेटिव,
सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन होती है। कैसा होता है सिंपल समझेंगे, एक डीएनए है, ये डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है। ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होती है, खुल जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो दो स्ट्रिंग अलग हो जाएंगे, है ना। तो किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड खुलता है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड खुलता है, है ना। ये डीएनए टेम्पलेट का काम करता है। इस तरह से क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस पेयर, है ना, क्या होती है, ऐड होता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है। इस तरह से क्या होती है, दोनों स्ट्रिंग अलग हो जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाता है, दोनों स्ट्रिंग अलग हो जाते हैं। है ना, और इसका कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बन जाता है, एक नया स्ट्रैंड और एक पुराना स्ट्रैंड बन जाता है इस तरह से, है ना। ये रेड फॉर्म्स में नया टेम्पलेट है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और ये जो ब्लू कलर में हम लोग दिखा रहे हैं पेरेंटल, इस तरह से। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है, ये पेरेंटल डीएनए और ये दोनों डाउटर डीएनए रिप्लिकेट हुआ, तो रिप्लिकेशन के बाद डाउटर डीएनए जो बनेंगे सेमी कंजर्वेटिव होगा, दैट मीन्स एक न्यूली सिंथेसाइज होगा स्ट्रैंड और दूसरा क्या होगा, पेरेंटल, है ना। तो इस तरह से इसको बोलते हैं डाउटर डुप्लेक्स, वन इज़ पेरेंटल वन इज़ न्यू, इसको क्या बोलते हैं, डाउटर डुप्लेक्स, है ना। डाउटर डुप्लेक्स, डाउटर डुप्लेक्स एक्चुअली क्या है, वन इज पेरेंटल एंड अदर इज न्यू, ये होता है डाउटर डुप्लेक्स, है ना। वन इज पेरेंट पेरेंटल और वन इज न्यू, ये होता है डाउटर डुप्लेक्स। इस तरह से, है ना, वन इज पेरेंटल वन इज न्यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे मेसलसन स्टॉल एंड टेलर के थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन का प्रूफ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ देखेंगे। ओके, थैंक यू।